चार धाम के दर्शन करिए घर बैठे ही कोरोना काल में। शनिवार को खुल गए गंगोत्री धाम के भी कपाट, शुक्रवार को यमुनोत्री धाम के खोल दिए गए थे कपाट। 17 मई को केदारनाथ धाम और उसके अगले दिन 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना के संकट काल के चलते लगातार दूसरे साल चारों धामों की यात्रा पर रोक लगाई गई है, जिसके चलते यात्री यानी कि श्रद्धालु अन्य स्थानों से आकर इन चारों धाम के मंदिरों में दर्शन नहीं कर सकते। उत्तराखंड सरकार ने बीते दिनों गाइडलाइन जारी कर शुभ मुहूर्त में चारों धाम में स्थित मंदिरों के कपाट खोलने की अनुमति दी थी। इस दौरान पूजा अर्चना विधि विधान से कराने के लिए केवल मंदिरों की प्रबंधक कमेटियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को ही वहां तक जाने की अनुमति दी गई है। तय समय के अनुसार अक्षय तृतीया के पर्व के पावन अवसर पर 14 मई को यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे। इसी क्रम में शनिवार 15 मई को चैत्र नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री मंदिर के कपाट भी खोल दिए गए हैं। ऐसे में गंगोत्री और यमुनोत्री पावन धामों की कपाट खुल जाने के साथ ही चार धाम यात्रा का श्री गणेश हो चुका है। पूरे विधि विधान के साथ भगवान केदारनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली शुक्रवार को केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर दी गई थी। श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने चारों धाम के ऑनलाइन दर्शन करने के लिए भी प्रबंध किए हैं। राज्य के पर्यटन यानी सैर सपाटा मंत्री सतपाल महाराज ने इस संबंध में देवस्थान बोर्ड को सारे प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इस व्यवस्था के अनुसार ऑनलाइन दर्शन के अलावा श्रद्धालु ऑडियो सिस्टम के माध्यम से पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने चारों धाम के वर्चुअल दर्शन की तैयारी शुरू की है ताकि घर बैठकर दर्शन किए जा सके। फिलहाल इन पवित्र धाम के मंदिरों में केवल पुजारी और पुरोहित ही पूजा अर्चना करेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट मेष लगन में सुबह 5 बजे 17 मई सोमवार को खोले जाने हैं। इसी प्रकार भगवान बद्री विशाल की कपाट 18 मई को सुबह 4:15 बजे खोलने का समय तय किया गया है। इस पावन यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ चर्चा करने के बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से देश विदेश में श्रद्धालुओं को मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन कराने और ऑडियो सिस्टम से पूजा अर्चना की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारियां शुरू कराई। श्रद्धालुओं को मंदिरों के गर्भगृह के दर्शन नहीं कराए जाएंगे। मालूम हो कि पिछले साल भी कोरोना महामारी की शुरुआत हो जाने के कारण इस पावन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं की उत्सुकता को देखते हुए न्यूज एजेंसी और अन्य मीडिया सोर्सेज के जरिए पावन धाम के कपाट खोलने के भावपूर्ण दृश्य इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराए हैं। डेस्क रिपोर्ट जनहितेशी न्यूज।